कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को देखते हुए अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए तमाम कोशिशें की। सबसे बड़ी बात तो है कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी समय है और इसके बाद राजनीतिक पार्टियां अब कर्नाटक में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन को देखते हुए पीएम मोदी ने नमो ऐप के जरिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जितनी भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। इससे उन नेताओं का फर्ज बनता है कि वो लोगों के घर पर जाएं और सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दें। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी एक पार्टी विशेष के लिए नहीं बल्कि देश की हर जाति और व्यक्ति के कल्याण के लिए विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में कई पंथ और जातियां हैं लेकिन फिर भी हम एक होंगे। 224 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नज़र है और दोनों ही पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह से रैली कर जनता को संबोधित किया। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जब इसके नतीजे 15 मई को आएंगे तो रुख किस पार्टी की तरफ होगा। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।